बिहार में शराबबंदी कानून में लगातार संशोधन होते रहे हैं और एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा फैसला लिया है कि अब जहरीली शराब से मौत मामले में भी परिजनों को मुआवजा दिया जाएगा। ऐसे तो नीतीश कुमार लगातार कहते रहे कि जो पिएगा सो मरेगा, लेकिन सत्ता पक्ष के जो दल हैं उनके तरफ से लगातार दबाव था और विपक्ष बीजेपी के तरफ से भी दबाव था और उसके बाद यह फैसला लिया गया है। जीतन राम मांझी के बेटे और मंत्री संतोष सुमन का कहना है कि हमारी पार्टी के तरफ से लगातार मांग हो रही थी और मुख्यमंत्री ने यह फैसला लिया है और आगे सर्वदलीय बैठक भी जरूर होगी और आगे जो भी जरूरत होगा उसके हिसाब से फैसला लिया जाएगा। नेता श्री जीतन राम मांझी जी शुरू से, और हम लोग का पार्टी का भी है कि हम लोग गरीबों के लिए काम करते हैं, गरीबों की आवाज़ है, और जहाँ तक शराब का सेवन है तो हम लोग भी इसके खिलाफ हैं कि किसी व्यक्ति को इस तरह के व्यसन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनको हर तरह से नुकसान होता है। एक सामाजिक स्तर पर भी वो पीछे जा रहे हैं, आर्थिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर, और जो गरीब है गरीब ही रहता है, लेकिन दुर्भाग्यवश किसी कारण से मृत्यु हो जाती है और परिवार बहुत गरीब होता है और परिवार का जो कमाने वाले लोग होते हैं उनकी मृत्यु होती है तो उनके पीछे जो परिवार होता है वो असहाय हो जाता है, बेसहारा हो जाता है, भीख मांगने के कगार पर आता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की यह घोषणा जो आज है आपके माध्यम से मैं सुना हूँ तो ये स्वागत योग्य है और उन परिवारों को रक्षा या सुरक्षा की जवाबदेही तो सरकार पर ही होती है, और सही बात है माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि उन लोगों को शपथ लिख के देना होगा कि वो शराब का सेवन नहीं करेंगे, चाहे वो शराब नहीं बनाते हैं, बाहर से कभी किसी गलती से पी लिए और गलत शराब में मौत हुई है तो उनके परिवार को हम देंगे, और पीछे भी अब तक जितनी मौतें हुई उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है, तो पार्टी के तौर से हम लोग उनका स्वागत करते हैं। और हम लोग के राष्ट्रीय पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संरक्षक महोदय आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी का भी डिमांड था और वो हम लोग कहते आए हैं, वो भी कहते आए हैं और वो हमेशा कहते आए हैं, तो हम समझते हैं कि एक अच्छी पहल है और ये मानवीय संवेदना का एक परिचायक है। सर्वदलीय बैठक भी होगी क्या? देखिए, सर्वदलीय बैठक पर माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है और कोई भी बातें जब निकलती है, जब इस शराबबंदी भी हुई थी तो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसको और व्यापक तरीके से, कारगर तरीके से इसको हम कैसे लागू करेंगे, तो सबको ले कर चलने से एक ही फायदा होता है कि बाद में कोई नहीं कहेगा कि हम नहीं थे, हम नहीं पूछे। जब सब हाथ उठाए थे शराबबंदी में तो आज तो कोई नहीं ना कहेगा, कोई कहता भी, मान ली बीजेपी वाले कह भी रहे हैं तो गलत बोल रहे हैं, इसलिए सर्वदलीय बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी के नज़रों में सब चीज़ है और समय समय पर इसकी बैठक करते रहते हैं, आने वाला समय में बैठक होनी चाहिए, होगी भी हमेशा समझते हैं, कुछ और व्यापक तरीके से, अच्छे तरीके से, इस बेहतरीन ढंग से हम इस मुहिम को लागू कर सकें, इसके लिए हम लोग भी चाहते हैं कि सर्वदलीय बैठक आगे की कोई बड़ी घोषणा हो सकती है। अब घोषणा तो हम लोग की सरकार है, गरीबों की सरकार है, महागठबंधन चल रहा है तो निश्चित रूप से गरीबों की घोषणा तो माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, करेंगे ही। सर्वदलीय बैठक को लेकर आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री को आवश्यकता महसूस होगी तो बैठक करेंगे, लेकिन जो कानून बना हुआ है उसका सख्ती से लागू होना जरूरी है। कौन से उचित नहीं बैठक बुलाने की बात, क्या लगता है? देखिए, इसकी आवश्यकता महसूस होगी माननीय मुख्यमंत्री जी को तो माननीय मुख्यमंत्री जी फैसला करेंगे, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि जो कानून बना हुआ है बिहार में शराबबंदी का, इसको लागू करने के लिए जिन लोगों ने संकल्प लिया है और उसमें सभी दलों के नेता, कार्यकर्ता, पार्टी के विधायक, सांसद, सभी लोगों ने संकल्प लिया था, मानवीय श्रृंखला बनी थी जो इतिहास में दर्ज हुआ था, तो हमको लगता है कि जो कमिटमेंट पर लोग कायम हैं कि न पिएंगे न पीने देंगे, अगर इस पर ही सभी दल के नेता ईमानदारी से और सभी लोग ईमानदारी से पहल करें तो हमको नहीं लगता है कि बिहार में कोई शराब पीने के बारे में सोच भी सकता है। कुछ और भी फैसला हो सकता है इसमें, आपको लगता है? फैसला का मतलब है कि शराबबंदी कानून को और कठोर किया जाए ताकि शराबबंदी जो देश में नज़ीर बना है ये आगे कहीं ना कहीं देश के लिए अनुकरणीय हो और देश भी इस दिशा में आगे बढ़े। देखिए, सभी दलों की भूमिका है शराबबंदी कानून बेहतर ढंग से लागू हो, इस पर सभी दलों की भूमिका है, सिर्फ एक दल इस पर राजनीति कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी प्रवक्ता विनोद शर्मा का कहना है कि हम लोगों के तरफ से लगातार दबाव बनाया गया था और उसके कारण मुख्यमंत्री को यह फैसला लेना। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात के लिए दबाव बनाई हुई थी कि जो भी गरीब मरे हैं या जो भी शराब पी के मरे हैं
उनके परिवार का कोई दोष नहीं है, इसलिए उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जिद पर अड़े हुए थे, हजारों लोग शराब पीकर मर रहे थे और उनके सरकार की विफलता के कारण मर रहे थे, अफसरों की मिलीभगत और जो व्यवसायी थे, जो कारोबारी थे, उनके कारण मर रहे थे। इसलिए सरकार का फर्ज बनता था कि मुआवजा दिया जाए, और निश्चित रूप से यह अच्छा कदम है, इसकी हम लोग सराहना करते हैं इस कदम की। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी लगातार, सम्राट चौधरी जी, हमारे नेता प्रतिपक्ष, सारे लोग इस बात के लिए लड़ाई लगातार लड़ रहे थे कि शराबबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन मांझी जी भी मांग कर रहे थे, मांझी जी सारे लोग कर रहे थे, और निश्चित रूप से हम लोग के दबाव में इनको निर्णय लेना पड़ा। हालांकि जदयू प्रवक्ता हिमराज राम का कहना है कि दबाव में फैसला नहीं लिया गया है और जरूरत पड़ेगी तो सर्वदलीय बैठक भी होगी। किसी के दबाव में लिया गया फैसला नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी सोच समझ करके फैसला लिए हैं। आगे क्या सर्वदलीय बैठक भी होगी? जरूरत पड़ेगी तो इस पर सर्वदलीय बैठक भी होगी, चूंकि मुख्यमंत्री जी तो हमेशा जनता के बीच रहे हैं, जनता की भावनाओं को समझते हैं, जनता से बराबर रूबरू होते रहे हैं, तो सर कोई किसी मुद्दे पर अगर जरूरत पड़ी सर्वदलीय बैठक की तो इसमें भी वो पीछे क्यों हटेंगे, सर्वदलीय बैठक भी करें। ए एन सिन्हा इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर विद्यार्थी विकास का कहना है कि सरकार ने जरूर अध्ययन करवाया होगा और उसके बाद ही मुख्यमंत्री के स्तर पर इस तरह का फैसला हुआ है। आगे जो पहली बार शराब पीने के कारण जेल में गए हैं उनको भी सरकार को छोड़ने का फैसला लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि 2016 से जो घटनाएं घटी है बिहार में शराबबंदी के बाद और शराब पी करके बहुत सारे लोग मरे हैं, तो एक तो ये हो सकता है कि सरकार द्वारा विश्लेषण किया गया हो आंकड़ों का, घटनाओं का और समाज पर पड़ने वाले प्रभावों का। दूसरा है कि महागठबंधन का सवाल जो कहा जा रहा है वह तो हमेशा कोई न कोई गठबंधन रहा ही है, इसका अर्थ यह भी है कि उसका भी प्रभाव हो सकता है, लेकिन सीधा सा है कि सरकार के द्वारा इवैल्यूएशन किया गया घटनाओं का और सरकार को लगा कि वो गरीब लोग हैं जो मर गए हैं, उनका कोई आश्रित नहीं है, तो सरकार के द्वारा जो मुआवजा देने की बात की गई है वह स्वागत योग्य कदम है। एक और जो कदम उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जो शराबबंदी के दौरान पकड़े गए हैं शराब पीने के जुर्म में, कम से कम वो गरीब लोग हैं, उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए, एक बार तो छोड़ ही दिया जाना चाहिए। सर्वदलीय बैठक को लेकर मुख्यमंत्री ने भी संकेत दिया था और लगातार RJD, कांग्रेस और हम के तरफ से सरकार पर दबाव है। एक तो शराबबंदी कानून में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनको छोड़ने की मांग इनके तरफ से हो रही है, साथ ही तारी को प्रतिबंध से मुक्त करने की मांग भी है। हालांकि सर्वदलीय बैठक से पहले मुख्यमंत्री महागठबंधन के घटक दलों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे और उसके बाद फिर सर्वदलीय बैठक में चीज़ों पर फैसला होगा। हालांकि देखना है इस पर कब मुख्यमंत्री सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं। अविनाश, ईट भी भारत, पटना।